नमस्कार मित्रों जय हिंद वंदे मातरम मैं हूं चंद्रवर्धन और आप देख रहे हैं अध्ययन इन्फोरटेनमेंट साप्ताहिक समसामयिक की समाचारों के इस बुलेटिन में हम लोग देखते हैं सप्ताह भर के महत्वपूर्ण समाचार जो लिए जाते हैं द हिंदू पी आई वी दैनिक चैनल राष्ट्रीय एडिशन इत्यादि महत्वपूर्ण स्रोतों से साथ ही हम लोग देखते हैं वन लाइनर्स जो कि प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं तो आइए सर्वप्रथम देख लेते हैं सप्ताह भर के प्रमुख हेडलाइंस राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा हेल्थ इन इंडिया रिपोर्ट जारी स्वास्थ्य संबंधी पारिवारिक सामाजिक उपभोग पर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के पचहत्तरवे दौर के आंकड़ों पर आधारित है यह रिपोर्ट केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा ईज 2.0 बैंकिंग सुधार सूचकांक जारी मार्च 2018 से 20 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन पर आधारित है यह रिपोर्ट वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री द्वारा स्टार्टअप पारितंत्र के लिए समर्थन पर राज्यों की रैंकिंग का दूसरा संस्करण जारी उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा रैंकिंग का संचालन वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2020 जारी डब्ल्यूडब्ल्यूएफ डब्ल्यू और जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन द्वारा वन्यजीव आबादी पर प्रेक्षणों के जरिए तैयार की जाती है द्विवार्षिक रिपोर्ट बैंकिंग विनियमन संशोधन विधेयक 2020 लोकसभा से हुआ पारित सहकारी बैंकों को आरबीआई की देखरेख में लाना है विधेयक का उद्देश्य केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नौ राज्यों में 22 बांस क्लस्टर्स की शुरुआत की राष्ट्रीय बांस मिशन के लोगों का भी किया गया विमोचन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत किसानों के प्रत्यक्ष उपयोग हेतु ई गोपाला नाम से एक समग्र नस्ल सुधार बाजार और सूचना पोर्टल भी किया गया लॉन्च एल पर चार महीने से चल रहे तनाव को कम करने हेतु पांच सूत्रीय योजना लागू करने पर सहमति संघाई सहयोग संगठन की विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग भारत चीन के विदेश मंत्रियों में द्विपक्षीय वार्ता किसान संगठनों के व्यापक विरोध प्रदर्शन और संसद में विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच तीन कृषि विधेयक पारित किसान बे टोक बेच सकेंगे विश्व के किसी भी बाजार में अपनी फसल अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन द्वारा पहला विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन आयोजित फिक्की के साथ आई के इस आयोजन में एक देशों के छब्बीस हजार अधिक प्रतिभागियों ने लिया भाग नमस्कार मित्रों जय हिंद मातरम अध्ययन इन्फोटेनमेंट के करंट अफेयर सेगमेंट में मैं चंद्रवर्धन आपका hey हार्दिक दे अभिनंदन करता हूँ आज हम लोग देखने वाले हैं 9 से उन्नीस सितंबर 2020 का करंट अफेयर्स और सबसे पहले देखेंगे हम लोग वन लाइनर्स लेकिन इससे पहले वीडियोज अगर पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी हमसे जोड़िए ताकि वो भी लाभान्वित हो सके आपका टोटल करेंट अफेयर जो है वन लाइनर वो जनवरी से लेकर के अब तक का टोटल अपडेटेड कर दिया गया है तो आप वीडियोज सारे देख सकते हैं ताकि आगामी जो भी इग्जाम से आपके आरआरबी के एग्जाम है बिहार एसआई का एग्जाम है आपका यूपीपीएससी का एग्जाम है और एसएससी वगैरह का एग्जाम है तो उन सब में ये करेंट अफेयर्स जरूर फायदेमंद होंगे क्योंकि आरओ एआरओ में मैंने देखा है कि अधिकतर करेंट अफेयर जो है वो इन्हीं नोट्स से पूछे गए हैं ठीक है इससे बाहर से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे गए हैं ठीक है थीके? तो आप लोग जनवरी से लेकर के और अब तक के जितने भी करेंट अफेयर्स अपडेटेड हैं वो सारे देख लीजिए और बाकी प्राचीन भारत के इतिहास और पॉलिटी के वीडियोज भी जरूर देखिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सभी प्ले का ओके तो आइए शुरू करते हैं अब अपना करंट अफेयर्स वन लाइनर्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 सितंबर 2020 को जिस राज्य में स्ट्रीट वेंडर्स के साथ संवाद किया तो वह मध्य प्रदेश के स्ट्रीट वेंडर्स थे हाल ही में जिस देश की सरकार ने सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना और अफवाह फैलाने से लड़ने हेतु असोल चीनी या रियल सुगर नाम से एक अभियान शुरू किया है बांग्लादेश है वह देश ठीक है गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने सिरेमिक उद्योग को गैस बिल में जितने रियायत देने की घोषणा की है तो वह है सोलह कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अनुसार केंद्र सरकार ने पांच वर्षों में सूक्ष्मतम सुक्ष, सिंचाई सूक्ष्मतम सिंचाई के अंतर्गत कितने लाख हेक्टेयर भूमि कवर करने का लक्ष्य रखा है तो सौ लाख हेक्टेयर त्रिपुरा ने सिपाही जिला के सोनमुरा से जिस देश ने के साथ अपने अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग को खोल दिया है तो बांग्लादेश के साथ ठीक है तो त्रिपुरा ने इ, मतलब कि किस जिला से तो सिपाही जिला से सिपाही जिला के सोनमुरा से बांग्लादेश तक के लिए अपना अंतरदेशीय जलमार्ग खोल दिया है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जिस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया तो नोबेल शांति पुरस्कार के लिए ठीक है हाल ही में जो उन्होंने शांति समझौते कराए हैं विभिन्न देशों के बीच उसके लिए इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से नोमिनेट किया गया है ई ने पिछले वित्त वर्ष में जितने प्रतिशत ब्याज को दो किस्तों में देने की घोषणा की है तो आठ दशमलव पांच प्रतिशत अमेरिकी कंपनी सिल्वर लेक ने रिलायंस रिटेल में जितने फीसदी हिस्सेदारी को पचहत्तर करोड़ रुपए में खरीदा है वन तो इंग्लैंड का जो खिलाड़ी आईसीसी टी ट्वेंटी बल्लेबाजों की रैंकिंग में प्रथम पायदान पर पहुंच गया है तो नाम है डेविड मलान हाल ही में जिस भारतीय पूर्व क्रिकेटर ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने एवं अपने संन्यास को तोड़ने के लिए बीसीसीआई को चिट्ठी लिखी है तो वह है युवराज सिंह मतलब वो अब संन्यास तोड़ के दोबारा मैदान में लौटना चाहते हैं हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से हाल ही में भारत ऑस्ट्रेलिया और जिस देश के बीच त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया गया तो वह है फ्रांस यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है बॉलीवुड के जिस प्रसिद्ध अभिनेत्री को महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ दल के राजनेताओं के साथ विवाद के मद्देनजर गृह मंत्रालय द्वारा वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा दी गई है तो कंगना रनौत आजकल मणिकर्णिका बनी हुई हैं और सभी से लड़ाई कर रही हैं और खास करके महाराष्ट्र की सरकार के विरुद्ध तो इन्होंने मोर्चा ही खोल दिया है तो आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में भी है कंगना रनौत इनको 2020 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में लोन मोरिटोरियम की तारीख को कब तक के लिए बढ़ा दिया है तो 28 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है जिस राज्य सरकार ने हाल ही में हरियाली सुनिश्चित करने के लिए आई रखवाली मोबाइल ऐप लॉन्च की है तो पंजाब आई रखवाली मोबाइल ऐप पंजाब से संबंधित है याद रखिएगा और इसका उद्देश्य क्या है तो हरिया राज्य में हरियाली सुनिश्चित करना रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में देश की जीडीपी में कितने परसेंट की गिरावट दर्ज की जा सकती है तो नाइन प्रतिशत की नौ प्रतिशत की ठीक है बॉलीवुड के जिस जाने-माने एक्टर को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का प्रमुख नियुक्त किया गया है तो यह है परेश रावल इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 26 अंक के नुकसान के साथ जिस स्थान पर पहुंच गया है तो यह है 105वें स्थान पर इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा और इसके बारे में डिटेल्स अभी हम लोग पढ़ेंगे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने अपने आ, खाता धारकों की दुर्घटना या बीमारी से होने वाली मौत के कारण उनके नॉमिनी को कितने लाख रुपए के बीमा देने की घोषणा की है तो सात लाख रुपए केंद्र सरकार ने बिहार में जितने करोड़ रुपए की लागत वाली मुंगेर भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क के निर्माण को मंजूरी दे दी है तो नौ करोड़ रुपए ये हो गया आपका बीपीएससी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा और बिहार एसआई SI के लिए हाल ही में जिस देश ने कोरोना के टीके को आम जनता के लिए जारी कर दिया है तो रूस ने खाद्य नियामक भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण ने स्कूल परिसरों के जितने मीटर के दायरे और स्कूलों की कैंटीन के अंदर जंक फूड की बिक्री और विज्ञापन पर रोक लगा दी है तो 50 मीटर के दायरे के अंदर स्कूलों के 50 मीटर के दायरे के अंदर अब जंक फूड की बिक्री नहीं की जा सकेगी और न ही स्कूलों के कैंटीन्स में की जाएगी भारत जिन देशों के साथ मिलकर 5G तकनीक पर काम कर रहा है तो इजराइल एवं अमेरिका यह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वह टीम जो आई सॉरी आई टी ट्वेंटी रैंकिंग में पहले पैदान पर पहुंच गई है तो वह है ऑस्ट्रेलिया यह भी इंपॉर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सौ गोल करने वाला दुनिया का दूसरा खिलाड़ी कौन बन गया है तो वह है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ठीक है अः आ... दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को असम राइफल्स के लिए दोहरी नियंत्रण संरचना को समाप्त करने अथवा उसे बनाए रखने को लेकर निर्णय लेने हेतु कितने सप्ताह का समय दिया है तो 12 सप्ताह का समय दिया गया है इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का विजेता कौन है तो पियर ए गैसली है यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इटालियन ग्रैंड प्रिक्स टू का विजेता पियर गैसली जीवन बीमा कंपनी बजाज अलायंस ने जिस अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसिडर नियुक्त किया है तो आयुष्मान खुराना को हाल ही में कार्मिक मंत्रालय ने जिसको विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है तो नाम है राजेश खुल्लर यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अमेरिका ने जिस देश के साथ एक रक्षा सहयोग कार्य ढांचे पर हस्ताक्षर किया है तो वह है मालदीव के साथ हाल ही में जिस देश ने अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच कतर दोहा में होने वाली अंतर अफगान वार्ता के शुरुआती समारोह में भाग लेकर तालिबान पर अपनी बदलती रणनीति का संकेत दिया है तो वह है भारत इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा डायरेक्ट न पूछा जाए लेकिन इम्पोर्टेंट जरूर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में जिस राज्य की जलापूर्ति व सीवर से जुड़ी पाँच करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया तो वह है बिहार का इम्पोर्टेंट है याद रखिएगा भारत को जितने साल के लिए आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक संस्था यूनाइटेड नेशंस के कमीशन ऑन स्टेट्स ऑफ वुमेन का सदस्य चुना गया है तो चार सालों के लिए यह भी इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा किस संस्था का सदस्य चुना गया है वह भी याद रखिएगा हाल ही में जापान के एक नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है तो योजी ही सुगा को यह बहुत इंपॉर्टेंट है चूंकि जापान हमारा लगभग पड़ोसी देश है बगल में ही है एशिया में ही है इसलिए यह इम्पोर्टेंट हो जाता है सामाजिक कार्यकर्ता एवं आर्य सभा के जिस संस्थापक का इक्यासी वर्ष की उम्र में निधन हो गया तो नाम है स्वामी अग्निवेश आर्य सभा के संस्थापक थे यह या याद रखिएगा स्वामी अग्निवेश केंद्र सरकार की स्टार्टअप रैंकिंग में जिस राज्य ने एक बार फिर से पहला स्थान हासिल किया है तो वह है गुजरात यह बहुत इम्पोर्टेंट है याद रखिएगा जिस राज्य सरकार द्वारा 209 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय वाला भारत का सबसे पहला पिगरी मिशन लॉन्च किया गया है तो वह है मेघालय यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है यह तो पूछा ही जाएगा किसी न किसी एग्जाम में तो याद जरूर रखिएगा विश्व प्राथमिक उपचार दिवस किस दिन मनाया जाता है तो सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है हाल ही में कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है तो श्री सिद्ध रूपा स्वामी जी रेलवे स्टेशन यह इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा श्री सिद्ध रूपा स्वामी जी रेलवे स्टेशन कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रखा गया है भारत में हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है तो 14 सितंबर को मनाया जाता है सब लोग जानते हैं ऑस्ट्रिया के जिस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन जीतकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है तो वह है डोमिनिक थीम डोमिनिक थीम इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा यूएस ओपन इन्होंने जीता है और आगे पढ़ेंगे कि किसको हरा करके जीता है दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ डी ने जिसे अपना नया लोकपाल नियुक्त किया है तो बदर दुर्रेज अहमद बदर दुर्रेज अहमद इमामी लिमिटेड कंपनी ने हाइजीन रेंज के उत्पादों के लिए जिस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसिडर नियुक्त किया है तो जूही चावला यह कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ ने अपने बाल अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के लिए जिस अभिनेता को अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है तो आयुष्मान खुराना यह इंपॉर्टेंट हो जाता है याद रखिएगा क्योंकि यूएन से जुड़ा हुआ है ठीक है यूनिसेफ से जुड़ा हुआ है वह देश जिसने हाल ही में चीन से कपास बाल संबंधी उत्पादों कंप्यूटर घटकों और कुछ वस्त्रों सहित आठ चीनी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है तो वह है अमेरिका विश्व रोगी सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है तो सत्रह सितंबर को मनाया जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जिस राज्य में कोसी रेल महासेतु के साथ यात्री सुविधाओं से संबंधित रेल की बारह परियोजनाओं का उद्घाटन किया तो बिहार में यह भी, भी है बिहार एग्जाम्स के लिए ठीक है खास करके बीपीएससी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है याद रखिएगा वह देश जो हाल ही में जीबूती आचार संहिता का पर्यवेक्षक बन गया है तो वह है भारत जिबूती आचार संहिता का पर्यवेक्षक बना है भारत इम्पोर्टेंट है याद रखिएगा जिस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग का सदस्य चुना गया है तो वह है भारत उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग डी ने रक्षा क्षेत्र में विदेशी कंपनियों के निवेश को उनचास प्रतिशत से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है तो चौहत्तर प्रतिशत कर दिया है यह भी इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा हाल ही में फीफा की तरफ से जारी ताजा रैंकिंग में जिस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है तो बेल्जियम ने फीफा रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है इम्पोर्टेंट है हाल ही में जिस प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर का तिरसठ वर्ष की उम्र में निधन हो गया है तो नाम है सरबड़ी दत्ता इंपॉर्टेंट है पूछा जा सकता है कि सरबरी दत्ता जिनका हाल ही में निधन हुआ है वह किस फील्ड से संबंधित हैं? तो फैशन डिजाइनर थी वो विश्व बैंक की ताजा वार्षिक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में किस देश को एक सौ सोल, स्थान मिला है तो भारत को एक सौ सो स्थान मिला है वार्षिक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में और यह विश्व बैंक जारी करता है इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म नाइन ने जिस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है सुरेश रैना को लेकिन यह जो कि पोकर का गेम है इसलिए पूछा नहीं जाएगा मेरे हिसाब से कोविड नाइन्टीन के खिलाफ लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना को अगले कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है तो छह महीने के लिए वह बैंक जिसके प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी को यूरोमनी अवार्ड्स ऑफ एक्सेलेंस द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट 2020 से सम्मानित किया गया है तो एच बैंक के प्रबंधक हैं आदित्य पुरी इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा चीन ने हाल ही में पीत सागर में तैनात पोत से एक रॉकेट के जरिए कितने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं तो नौ सैटेलाइट उसने लॉन्च किए हैं पीत सागर यानी कि पीला सागर येलो सी हाल ही में रूस में भारत और जिस देश के विदेश मंत्रियों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव को कम करने हेतु एक पांच सूत्रीय योजना पर सहमति व्यक्त की गई तो चीन के साथ केंद्रीय कृषि केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने प्राचीन भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के लिए जितने सदस्यीय समिति का गठन किया है तो 16 सदस्यीय समिति है सदाशिव रावजी पाटली पाटिल का हाल ही में छियासी वर्ष की उम्र में निधन हो गया है वह किस खेल से जुड़े थे तो क्रिकेट से जुड़े थे सदाशिव रावजी पाटिल याद रखिएगा हाल ही में वह फुटबॉलर जो दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉलर खिलाड़ी बन गया है तो लियोनल मेस्सी लोकसभा ने सांसदों के वेतन में एक वर्ष के लिए जितने प्रतिशत कटौती करने के प्रावधान वाले एक विधेयक को हाल ही में मंजूरी दी है तो 30 प्रतिशत कटौती की जाएगी जितने भी सांसद हैं उनके वेतन में इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने जिस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड अंबेसडर बनाया है तो सचिन तेंदुलकर को विश्व ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है 16 सितंबर को मनाया जाता है एशियाई विकास बैंक एडीबी के द्वारा जिसको भारत के लिए नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया गया है तो नाम है टेको कोनीसी कोनीसी टेको कोनी इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा ग्रेट लर्निंग ने जिस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रेंड ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है तो वह है विराट कोहली आजकल प्रचार भी आ रहा है इनका केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के छात्रों के लिए प्रगति और सक्षम छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत छात्रवृत्ति राशि पांच हजार से बढ़ाकर कितने हजार रुपए कर दिया है तो पचास हजार रुपये कर दिया है पांच हजार से बढ़ाकर सीधा पचास हजार मतलब दस गुना कर दिया गया है इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस किस दिन मनाया जाता है तो पंद्रह सितंबर को मनाया जाता है भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में कितने करोड़ रुपए का निवेश करेगी तो बीस हजार करोड़ का निवेश करेगी हाल ही में जिस कंपनी ने नए संसद भवन को बनाने का ठेका आठ सौ इकसठ करोड़ रुपए की बोली लगाकर हासिल कर लिया

चीन में अमेरिका के राजदूत थे टेरी जिन्होंने अपना इस्तीफा दिया है ठीक है हाल ही में जिस देश ने अपने सभी लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने की योजना जारी की है तो वह भी है अमेरिका जिस देश ने संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के साथ राजनयिक संबंधों को सामान्य बनाने वाले अब्राहम एकॉर्ड समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं तो वह है इसराइल और इसी के लिए यही समझौता करवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है किस कंपनी द्वारा नई संसद बिल्डिंग के निर्माण हेतु तो निविदा प्राप्त की गई है तो टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड यह ऊपर पढ़ चुके हैं 16 सितंबर 2020 को बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश तथा भारत की सीमा सुरक्षा बल के बीच चार दिवसीय कॉन्फ्रेंस की शुरुआत कहा की गई है तो ढाका में की गई है इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा प्रधानमंत्री द्वारा किस राज्य में नमामि गंगे तथा अमृत योजना के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया तो वह है बिहार यह भी बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है याद रखिएगा जापान की संसद द्वारा औपचारिक रूप से किन्हें नया प्रधानमंत्री चुना गया है तो योशी हिदे सुगा यह ऊपर पढ़ चुके हैं यह भी पढ़ चुके हैं आदित्य पुरी के बारे में केंद्र सरकार द्वारा यह भी पढ़ चुके हैं छह माह के लिए बढ़ाया गया है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है सत्रह सितंबर को लेकिन इसका थीम हम लोगों ने नहीं पढ़ा था स्वास्थ्य कार्यकर्ता सुरक्षा रोगी सुरक्षा के लिए प्राथमिकता इसका थीम है इस वर्ष के लिए इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा किस केंद्रीय मंत्री ने लोकसभा में कृषि बिल पेश किए जाने के विरोध में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है तो वह है हरसिमरत कौर बादल शिरोमणि अकाली दल की ये नेता थी जो कि एनडीए में अलायंस पार्टनर था जो जिसके नेता हरसिमरत कौर बादल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है ये प्रकाश सिंह बादल की पुत्री हैं। जी ट्वेंटी देशों की पुत्री है या बहू है शायद बहू है जिस जी ट्वेंटी देशों की पर्यावरण मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई तो सऊदी अरब के द्वारा की गई है जी ट्वेंटी देशों की पर्यावरण मंत्रियों की बैठक हुई थी जिसकी अध्यक्षता सऊदी अरब ने की है इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। फेसबुक द्वारा भारत के पांच शहरों के तीन हजार छोटे कारोबारियों को कितनी अनुदान राशि देने की घोषणा की गई है तो बत्तीस करोड़ रुपए एडीबी द्वारा किन्हें भारत के लिए अपना नया कंट्री निदेशक नियुक्त किया गया है तो टोकियो तो को ऊपर भी पड़ चुके हैं भारत के किस राज्य में अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के नए भवन का लोकार्पण किया गया मध्य प्रदेश में यह बहुत इंपॉर्टेंट है खास करके एम के लिए तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है पंद्रह सितंबर को और इस वर्ष की थीम क्या है तो कोविड नाइन्टीन स्पॉटलाइट ऑन डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा किस राज्य में मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान को लागू किया गया है तो यह है महाराष्ट्र यह भी इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है भारत के किस वरिष्ठ अधिकारी को विश्व बैंक का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है तो राजेश खुल्लर ऊपर पड़ चुके हैं राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस कब मनाया जाता है तो यह 15 सितंबर को मनाया जाता है सर मुख्य गुंडम विश्वेश्वरैया जयंती के अवसर पर एम विश्वेश्वरैया इसको इनको के नाम से इनको हम लोग जानते हैं तो उनका पूरा नाम है मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा यूएस ओपन 2020 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है तो डोमिनिक थीम ने जीता है यह हम लोगों पर पढ़ चुके हैं लेकिन ऑस्ट्रेलिया के टेनिस खिलाड़ी यह हैं और एलेक्जेंडर ज्वेरेव को इन्होंने हराया है यह नहीं पढ़ा था हम लोगों ने तो याद रखिएगा एलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर ऑस्ट्रिया के टेनिस खिलाड़ी डोमिनिक थीम ने यूएस ओपन 2020 के पुरुष एकल का खिताब जीता है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आगरा में निर्माणाधुन निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है तो छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर यह भी इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है यह न्यूज यूएस ओपन टू के महिला एकल का खिताब किस टेनिस खिलाड़ी ने जीता है तो नोआमी ओसाका ने जो कि जापान की टेनिस खिलाड़ी हैं और इन्होंने हराया है बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी विक्टोरिया हजार रेंका को बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो 14 सितंबर को मनाया जाता है अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी तो कल्पना चावला थी और यह चर्चा में क्यों है तो हाल ही में नॉर्थ रोप ग्रुमैन अमेरिकी विश्व एरोस्पेस और रक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी ने अपने अगले साइग्नस कैप्सूल का नाम मिशन विशेषज्ञ कल्पना चावला की याद में एसएस कल्पना चावला रखने की घोषणा की है वर्ष 2003 में एसटीएस एस 107 मिशन के दौरान उन्होंने अपनी जान गवाई थी तो इसलिए ये चर्चा में है याद रखिएगा ठीक है पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया है कौन से राज्य से संबंध रखते थे तो बिहार से संबंध रखते थे राजद के नेता थे जिन्होंने मरने से एक दिन पहले ही अपना इस्तीफा लालू प्रसाद यादव जी को सौंप दिया था केयर रेटिंग्स के, के रिपोर्ट के अनुसार वित्त तो वर्ष 2020 में जॉब ग्रोथ रोट की, रेट कितना रहा है तो तीन दशमलव पांच प्रतिशत रहा है इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा केयर रेटिंग्स के अनुसार किस राज्य द्वारा भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया गया तो मेघालय के द्वारा यह हम लोग ऊपर भी पढ़ चुके हैं चौदह सितंबर 2020 को राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया तो हरिवंश नारायण सिंह को नियुक्त किया गया है और डिप्टी चेयरमैन और इसके क्या कार्य होते हैं यह सब आप लोग संसद से जुड़े मेरे कर, मेरे वीडियो जो है प, आपका पॉलिटी का उसमें पड़ सकते हैं हाल ही में केंद्र सरकार ने जिसके निर्यात पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है तो प्याज के निर्यात पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया गया है इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा किस भारतीय शख्सियत की आवाज़ को अमेजॉन की एलेक्सा की पहली भारतीय सेलिब्रिटी आवाज के रूप में नामित किया गया है तो अमिताभ बच्चन मतलब कि अब एलेक्सा पर अमेजन के एलेक्सा पर आप अमिताभ बच्चन को भी आदेश दे सकेंगे ठीक है अमिताभ बच्चन को बोलिए कि भैया ये गाना सुनना है तो अमिताभ बच्चन जी बोलेंगे लीजिए अभी सुनाता हूँ है ना विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है तो 10 सितंबर को मनाया जाता है और इसकी थीम क्या थी तो वॉकिंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड वॉकिंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना भारत सरकार द्वारा मत्स्य संपदा योजना हेतु कितनी राशि तक के निवेश का प्रावधान किया गया है तो बीस हजार पचास करोड़ रुपए का और योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है तो दो तो हजार चौबीस पच्चीस में कुल सत्तर लाख टन मछली उत्पादन को बढ़ाना इसका लक्ष्य है इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा मत्स्य संपदा योजना हाल ही में शुरू किया गया है ठीक है डोर स्टेप बैंकिंग सेवा का शुभारंभ किनके द्वारा किया गया है तो निर्मला सीतारमन के द्वारा किया गया है किस बैंक के द्वारा आई स्टार्टअप टू कार्यक्रम लॉन्च किया गया है तो आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा बैंकिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा राफेल विमान को पहली बार भारतीय वायुसेना में कब शामिल किया गया तो 10 सितंबर 2020 को शामिल किया गया हरियाणा स्थित अंबाला एयरबेस पर भारतीय वायुसेना के सत्र सेवनटींथ गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में इसे शामिल किया गया है इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा पांच राफेल विमान अभी तक आए हैं और अगले हफ्ते जो है या फिर इसी सप्ताह में मेरे हिसाब से पांच और आने वाले हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पशुपालकों को, को उन्नत पशुधन चुनने में सहायता प्रदान करने हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है तो ई गोपाला ऐप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा ई गोपाला ऐप और इससे फायदा क्या होगा तो पशुपालक जो है वह उन्नत पशुधन चुनने में सहायता प्राप्त तो होगा उनको भारत ने किस देश के साथ सशस्त्र बलों के बीच आपूर्ति एवं सेवाओं के आदान प्रदान हेतु समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं तो जापान के साथ याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है फेक न्यूज पर अंकुश लगाने हेतु किस देश द्वारा असोल चीनी अभियान की शुरुआत की गई है तो यह है बांग्लादेश पहली अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा रक्षा दिवस कब मनाया गया तो 9 सितंबर 2020 को मनाया गया और पहला है इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा मई 2020 में यूनिसेफ यानी कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष तथा यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक गठबंधन के आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की थीम क्या है तो शिक्षा की रक्षा एक पीढ़ी को बचाओ ठीक है इंपॉर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है याद जरूर रखिएगा थीम खासकर करके इंपॉर्टेंट है शिक्षा की रक्षा एक पीढ़ी को बचाओ और बनाया कब गया 9 सितंबर 2020 को मनाया गया पहली बार मनाया गया इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नई शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है तो हिमाचल प्रदेश है यह तो भी, भी या किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा राष्ट्रीय बांस मिशन का लोगो किसके द्वारा जारी किया गया है तो नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा जारी किया गया है और लोगो किसने बनाया तो तेलंगाना के साई राम एडिगी के द्वारा बनाए गए लोगों को चयनित किया गया तेलंगाना के साई राम एडिगी के द्वारा इसके साथ ही इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री द्वारा केंद्रीय कृषि मंत्री के द्वारा नौ राज्यों में बाईस बांस क्लस्टर को भी लॉन्च किया गया है ठीक है तो यह भी याद रखिएगा नौ राज्यों में बाईस बांस क्लस्टर्स को लॉन्च किया गया है बॉम्बू क्लस्टर्स सुप्रीम कोर्ट की विधिक सेवा समिति का नया अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है तो जस्टिस आर एफ नरीमन को यह भी इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा वर्ष 2020 में बाल एवं मृत्यु दर के स्तर एवं रुझान की रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी की गई है रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में पाँच वर्ष की आयु से कम उम्र के बच्चों के मृत्यु दर में वर्ष उन्नीस से दो तक चार दशमलव पाँच प्रतिशत की वार्षिक गिरावट दर्ज की गई है वर्ष 1990 में भारत में कुल चौंतीस लाख बच्चों की मृत्यु हुई थी जबकि 2019 में यह आंकड़ा घट घटकर आठ लाख चौबीस हजार हो गया है इस रिपोर्ट में बताया गया कि वर्ष 2019 में पांच वर्ष की आयु से कम जितने बच्चों की मृत्यु हुई उनमें से एक तिहाई नाइजीरिया तथा भारत के थे यह इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है इसके बारे में आगे हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे यहाँ पर यह समझ लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें वर्ष 2020 में बाल एवं मृत्यु दर के स्तर एवं रुझान पर रिपोर्ट जारी किया गया है फिंच द्वारा चालू वित्त वर्ष दो हज़ार में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया गया है तो दस दशमलव प्रतिशत का ठीक है और इससे पहले हम लोग क्रेसिल का अनुमान भी पढ़ चुके हैं तो वो भी याद रखिएगा अखिल भारतीय टेनिस संघ ए आई टी ए का नया अध्यक्ष किन्हीं नियुक्त किया गया है अनिल जैन को नियुक्त किया गया है इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा किस राज्य द्वारा बी वाई एस आर सॉरी वाई एस आर संपूर्ण प्लस तथा वाई एस आर संपूर्ण पोषण योजना का शुभारंभ किया गया है तो यह है आंध्र प्रदेश जहां भी वाई एस आर के नाम से कोई योजना हो आंध्र प्रदेश आंख मूंद करके टिक लगा दीजिए ठीक है अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है तो 8 सितंबर को मनाया जाता है विषय क्या है तो लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड 19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा विषय खास करके याद रखिएगा लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड नाइन्टीन क्राइसिस एंड बियॉन्ड भारत के किस राज्य के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स और विनिर्माण नीति जारी की गई है तो तमिलनाडु के द्वारा इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जयपुर में किस गेट 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 का का लोकार्पण किया गया तो पत्रिका गेट का। इस गेट को जयपुर विकास प्राधिकरण के मिशन अनुपम के तहत राजस्थान पत्रिका ग्रुप द्वारा निर्मित किया गया है यह गेट जयपुर एयरपोर्ट को वॉल सिटी से जोड़ेगी जयपुर के जो एग्जाम राजस्थान के जो एग्जाम्स है उसके लिए खास करके इम्पोर्टेंट है और बाकी लोग भी याद रखिएगा 9 अक्टूबर 2020 से प्रयागराज में आयोजित होने वाले हुनर हाट का थीम क्या रखा गया है तो वोकल फॉर लोकल वोकल फॉर लोकल यूपी के एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी लोग भी याद रखिएगा हुनर हाट का आयोजन प्रयागराज में किया गया है व्हाट्सएप ने छात्रों के बीच साइबर सुरक्षा से जुड़ी जागरूकता फैलाने हेतु किसके साथ साझेदारी की है तो सी के साथ साइबर पीस संगठन के साथ इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा कोविड 19 विजय रथ का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है तो गुजरात में किया गया है बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा कोविड नाइन्टीन विजय रथ गुजरात से संबंधित है एन द्वारा सर्वेक्षण के आधार पर राज्यों की साक्षरता सूची में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है तो वह है केरल केरल है इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा रिपोर्ट सूची में अठासी दशमलव सात प्रतिशत साक्षरता के साथ दिल्ली ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है वहीं सतासी दशमलव प्रतिशत के साथ इस सूची में उत्तराखंड ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है वहीं सूची में छियासठ दशमलव चार प्रतिशत के साथ आंध्र प्रदेश सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बना है तो केरल में सबसे अधिक साक्षरता है तो वहीं आंध्र प्रदेश में सबसे कम साक्षरता दर है इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा और इसको नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन एनएसओ के द्वारा जारी किया गया है उसके सर्वेक्षण के आधार पर तो यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है केंद्र सरकार द्वारा तमिलनाडु के किस जिले को राज्य की पहली पूर्ण रूप से डिजिटल अर्थव्यवस्था घोषित किया गया है तो नाम है विरुदू नगर इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा राज्य की पहली पूर्ण रूप से डिजिटल अर्थव्यवस्था इसे घोषित किया गया है किस राज्य की तमिलनाडु की अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन द्वारा पहले विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया तो 8 सितंबर 2020 को किया गया और यह पहला है इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा ठीक है इसी के साथ हमारा करंट अफेयर्स का वन लाइनर जो है वो समाप्त होता है इसके बाद हम लोग डिटेल से करेंट अफेयर्स पढ़ेंगे दो वीडियो जो उसके भी आएंगे और समाप्त हो जाएगा आपका 9 से 19 तारीख सितंबर तक का करंट अफेयर्स ठीक है तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को हमारे साथ जोड़िए ताकि वो भी लाभान्वित हो सके ठीक है और साथ में जो है आपका एक बेल आइकॉन होता है घंटी की तरह ठीक है तो वो दबाना ना भूले ताकि जो भी नया वीडियोज हम लोग बनाएं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे ठीक है इसके अलावा अगर पी चाहिए या फिर बी ग्रुप से ज्वाइन करना है तो नाइन टू एट थ्री मतलब किसी भी एग्जाम के लिए नोट्स संबंधी मदद चाहिए तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं सेवन डबल जीरो फोर थ्री एट फाइव जीरो वन फोर पर ठीक है तो करना ना भूलें और बीपीएससी के लिए नया टारगेट बैच जल्द ही शुरू मतलब हो चुका है शुरू और उसमें जो है इतिहास के वीडियो करेंट अफेयर्स इतिहास के नोट्स और करंट अफेयर्स जनवरी के दिए जा चुके हैं अन्य करंट अफेयर्स और वीडियो और नोट्स भी जो हैं जल्दी ही जारी किए जाएंगे तो जरूर से जरूर उसमें जुड़िए यदि आप बीपीएससी टारगेट रखते हैं तो इसके अलावा वीडियोज जो है हमारे पुराने वो सारे देखते रहिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार आर ओ में केवल पॉलिटी के वीडियो से पांच से सात क्वेश्चन पूछे गए हैं तो सोच लीजिए अभी तो वीडियोज की शुरुआत हुई है और इतने सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं तो जब वीडियोज पूरे हो जाएंगे तब कितने

परिश्रम की पराकाष्ठा करूंगा मैं ठीक है तो आप लोग भी तैयार हो जाइए एग्जाम के लिए और पूरी मेहनत से तैयारी कीजिए ताकि इस बार अध्ययन ग्रुप का झंडा गाड़ ना है ठीक है ओके अब मुझे दीजिए इजाजत जय हिंद वंदे मातरम